कटिहार के कदवा की जनता में टूटा दुखों का पहाड़, जहां एक तरफ बारिश का कहर तो दूसरी ओर बाढ़ का तांडव। जनता में इस बात को लेकर काफी हरकंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि सोनेली से पूर्णिया जाने वाली डायवर्सन सड़क में पानी भर जाने से यातायात ठप हो जाता है। 2017 के आई भीषण बाढ़ में शिवगंज में स्थित स्क्रूल पाइल पाइप को उड़ाते हुए पानी के बहाव ने भागा ले गया। बाद में एक डायवर्सन बनाकर यातायात व्यवस्था चालू किया गया था, लेकिन विडंबना यह है कि 2018 में पुल का कार्य शुरू किया गया था और अब तक ये पुल बनकर तैयार नहीं हुआ। जो डायवर्सन बना हुआ था उसमें ही यातायात चालू था, अब वह भी वर्तमान स्थिति में पूर्ण रूपेण ठप हो चुका है, क्योंकि सड़क में पानी भर जाने से यातायात ठप हो गया है। वहाँ के ग्रामीणों की माने तो कछुए की चाल से काम करने पर आज तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। तो आखिर अब सवाल उठता है, भर करके और अभी का ये स्थिति है और पानी क्रॉस कर रहा है, और ये सोनोली से लेकर के पूर्णिया जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जहाँ में इस कदर पानी है, और करंट देखिए पानी में, समझ में नहीं आता है कि सरकार कर क्या रही है। और अब तक इसके लिए देखिए कैसे जान को रिस्क में ले करके, और ये देखिए दोनों तरफ खाला है, कुंड है, और ये गाड़ी देखिए टपा रहा है। बहुत अफसोस है, ये है कदवा का विकास और यहाँ का जनता के लिए बहुत परेशानी है। पानी का जो रफ्तार देखा जा रहा है समझ में नहीं आता है, और मैं ये